हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से जोगिंदर पाल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं एक वीडियो लेकर हिसाब किताब से संबंधित, छटांक है, तोला है, माशा है, सोने की शुद्धता है, इस प्रकार की बात आज फिर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप इस चैनल को, जोगिंदर पाल चैनल को, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को आप प्रेस करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा नंबर 1। नंबर 1 इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अब ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम। अब इसमें हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा कि सोने की शुद्धता कितनी होती है। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, 1 कैरेट की शुद्धता कितनी होती। तीसरा सवाल रहेगा, 24 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है। चौथा सवाल रहेगा, 23 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है। यहीं पर लास्ट सवाल रहेगा कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है। तो हमने 5 सवाल लिख दिए हैं। सोने की शुद्धता, पहला सवाल है सोने की शुद्धता कितनी होती है। तो सोने की शुद्धता बराबर 24 कैरेट, CARAT कैरेट यानी CT होती है। अच्छा, अब अगला सवाल, 24 कैरेट शुद्धता होती है, इसका पता भी चल जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा। 1 कैरेट की शुद्धता कितनी होती है, दूसरा सवाल है। तो 1 कैरेट सोने की शुद्धता 4.166 होती है, इतने प्रतिशत होती है, 4.166% होती है। यदि 24 कैरेट की बात करें, 24 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है, तो 24 कैरेट सोने की शुद्धता बराबर 24 × 4.166 ये 99.99% 24 कैरेट सोने की शुद्धता 99.99% होती है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल हमारा है, 23 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है। 23 कैरेट सोने की शुद्धता बराबर 23 × 4.166 बराबर 4.166 बराबर 95.81%। जो 23 कैरेट का सोना होगा
वो 95.81 लगभग 96% खरा होगा। बस यह ध्यान रखना है। लास्ट का सवाल है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होगी? तो 22 × 4.166 बराबर 91.65% 62%। 22 कैरेट का सोना 91.65% शुद्ध होगा। यानी हमने सो देखा कि 24 कैरेट का सोना 99.99% सही है। 23 कैरेट की अगर बात करें तो 23 × 4.11 ये है 95%, 81%। 22 कैरेट के सोने की बात करें, 22 कैरेट में कितनी शुद्धता होती है? उसमें शुद्धता होती है 91.65। तो उम्मीद करता हूँ कि, और शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। 1 कैरेट सोने की शुद्धता 4.... प्रतिशत। 1 कैरेट का अगर सोना होगा तो उसकी शुद्धता 4.166% होती है। तो आज हमने दो चार बातें हमने वीडियो के माध्यम से सीखी। उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात तो थी नहीं, मल्टीप्लाई का काम था सिर्फ, और 1 कैरेट का मान था, इनको मल्टीप्लाई आपस में कर दिया गया। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को बेल आइकन को आप प्रेस करिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।